नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जे नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी जे नाम वाले जातक होते हैं आखिर उनका स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, जे नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद बुद्धिमान होते हैं। उनका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा चालाक होता है, क्योंकि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हठ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वैसे यदि एन नाम वालों की बात करें तो एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, अपने जीवन साथी का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। दोस्तों, जे नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक, इन दोनों के बारे में लगभग सारी बातें हमने सुनी एवं सारी बातें सुनने के बाद अगर हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, तो आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप अवश्य कमेंट कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे, ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों सभी लोग वीडियो देखें एवं अपने आपसी जीवन के बारे में सारी बातें पता कर सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।